खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज और सार। मंडलायुक्त अनिल कुमार सागर ने गांधीनगर, गिदही, पुरानी बस्ती कंटेनमेंट एरिया और एकीकृत कोविड कमांड व कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया। इस दौरान उनके साथ जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन व पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा भी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया है कि कंटेनमेंट जोन में कोविड 19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन कराएं। इस दौरान किसी प्रकार का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पुलिस विभाग शांति एवं सुरक्षा के साथ साथ अन्य प्रतिबंधों का पालन कराएं। कहा कि कंटेनमेंट जोन में माइक से प्रचार कराएं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाने के लिए जागरूक करें। कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार का भीड़ एकत्र न होने दें। सभी कार्यालय तथा प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रखें। मंडलायुक्त ने विकास भवन में स्थापित एकीकृत कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की। सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि सैनिटाइजेशन करने के बाद इसे संचालित किया गया है। बताया कि इसका मुख्य उत्तरदायित्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय उत्तर प्रदेश कार्यालय में स्थापित सेंट्रल कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से प्रभावी समन्वय रखना है। यहां पर कोविड 19 के अस्पतालों में भर्ती मरीजों से नियमित रूप से वार्ता की जाती है और व्यवस्थाओं के बारे में उनसे फीडबैक लिया जाता है। साथ ही कोविड 19 के मरीजों के संपर्क में आए हुए लोगों को गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की जानकारी प्रत्येक सीएससी पीएचसी से प्राप्त की जाती है। इसके लिए अलग अलग अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।